हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक अलग ही टॉपिक पे आपको समझाने जा रहा हूँ। अलग टॉपिक कहने वाला, आजकल बहुत सारे वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया और उसी में दूसरा बैटरी लगा दिया और गाड़ी भी चल रही है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि गाड़ी चल रही है और उसके साइड में पंखा लगा दें तो पंखे से बैटरी चार्ज होगी। पंखे से जैसे विंड मिल होता है ना, गाड़ी चल रही है और बगल में एक पंखा साइड में लगा दें और वो पंखा चले और उससे डायनामो चले और बैटरी चार्ज हो जाती है। ये सब बातें मिथ है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये लगाने से घाटा क्या होगा और फायदा क्या होगा। जनरली सिंपली लोग सोचते हैं कि गाड़ी चल रही है, जैसे गाड़ी तो चली रही है मोटर से, उसमें एक डायनेमो लगा दिया, फिर उससे बैटरी चार्ज करके फिर गाड़ी चलेगी। ऐसा नहीं होता, वो गलत है। मैं आपको बताऊँ कॉन्सेप्ट क्यों गलत है। ये गलत होने का रीजन है, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग इंजन वाले गाड़ियों में क्या लगता है, इंजन चलता है और उसमें एक डायनेमो लगा रहता है और उससे फिर बैटरी चार्ज हो जाती है और वो बैटरी चार्ज होने के बाद फिर बाद में यूज होता है, जैसे इंजन स्टार्टिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, कुछ भी और अलग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए। लेकिन ईवी में ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता है। ईवी में जनरली लोग, मैंने पहले बताया क्या, लोग सोच रहे जैसे गाड़ी तो चली रही है मोटर से, उसमें एक डायनेमो लगा देंगे उससे बैटरी चार्ज होगी और वो बैटरी चार्ज होगी तो जैसे वो बैटरी खत्म होगी तब तक ये बैटरी चार्ज हो जाएगी और इसके बाद फिर इस बैटरी से उससे गाड़ी को चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल मतलब समझते नहीं लोग कि क्यों ये नहीं पॉसिबल है। ऐसा होता तो आप इतने बड़े इंजीनियर हो, बाकी लोग दुनिया में कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा। रीजन है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। बाकी इतनी बनाने वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां बुड़बक है क्या, मतलब उसको दिमाग है ही नहीं, उसके पास कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर दूसरी डायनेमो लगा दे और दूसरी बैटरी लगा दे और उससे बैटरी चार्ज हो, फिर वो बैटरी खत्म हो जो रनिंग बैटरी है, फिर वो खत्म हो तो फिर वहां पे स्विच करके दूसरी बैटरी पे आ जाए, फिर ये बैटरी इससे चलता रहेगा वो ये भी, फिर उसके बाद अगली बैटरी पे स्विच कर दे। तो ये क्या वो बुड़बक है क्या जो आप लोग दिखा रहे हो। एक वीडियो मैंने देखा भी था यूट्यूब पे कि एक लड़के ने झारखंड या कहीं का, ध्यान नहीं है मैं बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं लीजिएगा इन बातों को। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, टेक्निकली एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, आप हवा में मत सुनिएगा। तो उसमें क्या दिखाया गया है, एक लड़के ने बाइक बनाया और उसमें एक बैटरी लगी है, एक मोटर लगी है और एक दूसरी बैटरी भी लगी है उसमें, ऐसा दिखाया है। तो क्या है कि वो बैटरी और मोटर जो बाइक चला रहा है, तो बाइक तो चल रहा है, उसके साथ में एक डायनेमो लगा दिया है, तो क्या बाइक चल रहा है और जो डायनेमो है वो डायनेमो से फिर दूसरी बैटरी चार्ज हो रही है और जब पहली बैटरी खत्म हो जा रही है तो दूसरी बैटरी में जो चार्ज स्टोर हुआ है फिर उससे वो चलाने की शुरुआत करे, तो उससे फिर चला रहे। लेकिन यस, ये प्राइमरी मतलब फर्स्ट फेज में आप समझे देखें तो लगेगा कि हाँ वो ये बैटरी चार्ज हो गई है, समझ में तो आएगा कि हाँ भाई वो बैटरी से जितना भी इधर चला गाड़ी उसको, लेकिन इस बैटरी का पावर चेक करेंगे इसकी बैटरी चार्ज दिखाएगी, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, वो चार्ज दिखाएगा। लेकिन वो चार्ज होने के पीछे आपने क्या वेस्ट किया है, जैसे आप जैसे सपोज मैंने कोई काम करने के पीछे आपने कितना मेहनत किया है वो भी तो गिनना पड़ेगा ना। वो मेहनत यदि 20 रुपये का है और ये चार्ज 10 रुपये का हुआ है, सपोज मैंने किसी जगह आपने मेहनत 20 रुपये का मेहनत किया है और उसका आउटपुट आपको काम में आउटपुट मिला है 10 रुपये का, तो क्या वो फायदेमंद है, क्योंकि 20 रुपये में 20 रुपये का सामान लेने की कोशिश करेंगे ना कि 10 रुपये का। यहाँ पे वही हो रहा है, आपको दिख रहा है 20 रुपये खर्च वाला वस्तु नहीं समझ रहे लोग, वहां पे 20 रुपये खर्च हुआ लेकिन यहाँ चार्ज 10 रुपये का, वो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा होता क्या है, आप सिंपल समझो। सबसे पहले इसी दो कॉन्सेप्ट मैं लूंगा, जो एक बोलते हैं कि विंडमिल बाहर में लगा देंगे, पवन पवन चक्की लगा देंगे छोटा सा 3-4, उससे उसमें डायनेमो लगा देंगे उससे बैटरी चार्ज होगा, वो एक कॉन्सेप्ट रहेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये जो मैंने बताया कि दूसरी बैटरी लगा दे और उससे उसको चार्ज करके फिर यूज करेंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं बात करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट करता हूँ सेकेंडरी बैटरी वाली, दूसरी बैटरी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी वाली, सेकेंडरी बैटरी वाली। इसमें क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं हो सकता, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, एक समझेंगे तो दूसरे को फट से 2 मिनट में समझा दूंगा। देखिए होता क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का तो नाम आप सुने ही है, कुछ भी बैटरी में ऊर्जा स्टोर है, मोटर चलता है तो वो काइनेटिक ऊर्जा बनाता है, सब कुछ ऊर्जा पे डिपेंड करता है। देखिए क्या है, बैटरी को चार्ज करने के लिए ऊर्जा चाहिए और बैटरी में जो स्टोर होता है वही ऊर्जा, जो स्टोर होता है वो एक तरह का ऊर्जा है बैटरी का। तो ऊर्जा, ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए सिर्फ एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी ऊर्जा, चाहे बैटरी में आपको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा स्टोर हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, सब कोई को खत्म नहीं किया जा सकता, किसी भी ऊर्जा को ओनली रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण करने का मतलब, सपोज माने बैटरी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको मोटर में सप्लाई दी है,
तो आप आउटपुट देगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी उसको बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे मोटर में दे दिया तो ठीक है, ऐसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है मोटर। लेकिन इसी को मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी से फिर हमको इलेक्ट्रिकल में लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमको डायनेमो लगाना पड़ेगा, डायनेमो, डायनेमो जनरेटर जो भी समझिए, तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी सिद्धांत पे उस गाड़ी में बनाया गया है कि हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे बैटरी में स्टोर है, ठीक है, यही बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे भी बैटरी में स्टोर है, ये बैटरी वन हुआ, ये बैटरी टू हो गया, ये बैटरी वन हो गया, ठीक है, एकदम समझे गए, समझने की चीज है। लोग इतने कंफ्यूज करते हैं कि लोग सिंपल लोगों के दिमाग में नहीं आता, मैं तो न्यूज चैनलों पे भी ये वाला वीडियो आ गया कि लोग समझते ही नहीं। एक्चुअली सबका अलग अलग स्ट्रीम होता है, न्यूज चैनल वाले अपने हिसाब से, उनको बेचारे को क्या मालूम टेक्निकली क्या है नहीं है, उनको अपने हिसाब से दिखा देते हैं, या फिर जिस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आया उनको भी बेचारे को क्या मालूम, क्योंकि उनको उनको इस चीज़ की डीप जानकारी नहीं होगी, सिंपल दिख रहा है कि हाँ भाई ये बैटरी खत्म होने होने तक ये बैटरी भी चार्ज होगी, बट ये बैटरी कितना खत्म हुआ और ये कितना चार्ज हो वो कैलकुलेशन जरूरी है, यहीं पे सारा झोल है। ये बैटरी चार्ज तो हो रही है, लोग समझ जा रहे हैं दो नंबर बैटरी, लेकिन पहली बैटरी कितनी खत्म हो रही है वो कैलकुलेट करना भी जरूरी है, क्योंकि यदि ये ज़्यादा खत्म हो रही है और ये कम चार्ज हो रही है तो लॉस हो रहा है, फिर उसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए उस यहाँ पे समझिए वो ऊर्जा रूपांतरण, सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण होता है, कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीटर लगा देंगे, रूम हीटर या ब्लोअर कुछ भी, आप वाटर हीटर, तो ये पानी भी गर्म कर सकता है, तो हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। या फिर यहाँ पे हीटर लगा देंगे घर में खाना वाना बनाने वाला, या फिर सोल्डरिंग आयरन जो रहता है उसको लगा दिए तो भी आपको उष्मा ऊर्जा आउटपुट देने लगे, तो ये ऊर्जा को सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में, मैकेनिकल से हीट में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, लेकिन सभी जगह एक मेन बात यहाँ पे समझा था, ऊर्जा को रूपांतरण तो किया जा सकता है, यहाँ भी रूपांतरण ही किया जा रहा है, बैटरी इलेक्ट्रिकल बैटरी का सप्लाई मोटर में दिया जा रहा है, मोटर घुमाता है गाड़ी को आगे पीछे धक्का मार लेता, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा इसको बोलते हैं मैकेनिकल मतलब, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में पहले कन्वर्ट कर दिया, फिर मैकेनिकल से फिर यहाँ पे एक डायनेमो लगा दिया उसी गाड़ी में, और उससे फिर बैटरी चार्ज किया, तो ये जो रूपांतरण होता है ना, रूल है E=mc²। इस फॉर्मूले पे ज्यादा आप ध्यान नहीं दीजिएगा, शायद समझ में ना आए, तो जिसको समझ में आए वो समझ सकते हैं। E=mc², m मतलब मास, c मतलब वेलोसिटी, मतलब क्या है, यदि ऊर्जा को बनाना है या तो आपको मास लॉस, मास खत्म करना पड़ेगा, या तो वेलोसिटी खत्म करना पड़ेगा, या फिर दोनों को खत्म करना पड़ेगा, जितना ऊर्जा चाहिए उतना ये नष्ट होगा, मास, सपोज मैं मास टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ, इजी भाषा में आपको समझाता हूँ, सपोज माने आपको हीट एनर्जी उत्पन्न करना है, जो आग जलाते हैं पता है आग कौन सा एनर्जी उत्पन्न करता है, हीट, हीट एनर्जी, टेम्परेचर बनता है उससे, सिर्फ आग से गर्मी पैदा होती है कुछ नहीं होता। तो जो आप लकड़ी, सपोज माने कोई लकड़ी जलाया आपने, लकड़ी एक जला रहे, यहाँ पे आपको सपोज माने यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है, आग जल रही थी, लकड़ी क्या है, जल्दी 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 खत्म होता है, मास मतलब समझते हैं, मास मतलब उसका वजन, वजन समझ, वास मतलब, मास मतलब उसका वजन या उसका एरिया, सब कुछ समझ सकते हो, वजन समझे, तो जितना लकड़ी जलेगा उतना खत्म होता चला जाएगा, और धीरे धीरे इसका वजन जो मान लिया 5 kg लकड़ी का है, तो धीरे धीरे 2 kg, 1 kg, 0 kg भी हो जाएगा, 0 नहीं हो रहा आपका बचेगा, थोड़ा बहुत बचेगा, मतलब धीरे धीरे इसका जो मास है, वजन जो है खत्म होता चला जाएगा, जितना वजन खत्म होगा उतना आग जलेगा, और जितना तेजी से आप वजन खत्म करेंगे उतना तेजी से आग जलेगा, समझ रहे बात को, मतलब कि खत्म हो रहा है तभी ये आग जल रहा है, ये ना खत्म हो तो ये आग ना जले, मतलब ये मास जो है ना, मास इसका खत्म हो रहा है इसलिए आग जल रहा है, क्योंकि आपको ये लकड़ी वाले, लकड़ी में जो स्टोर एनर्जी है कार्बन होता है उसको जला के आप उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर दे रहे हैं, उष्मा ऊर्जा से आप कुछ भी करिए, खाना बनाइए, कुछ भी करिए, सब कुछ हो सकता है, आप अलाउ ठंडी में हाथ सेकिए, तो वो ये उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आपको लकड़ी जलाना पड़ रहा है, लकड़ी जलाने के टाइम में इसका मास लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना किसी ऊर्जा को, तो वहां पे लॉस होता है, लॉस समझ गए ना, लॉस होता है, लॉस पे ही सारा एक फंक्शन है, लॉस जरूरी है, तो ये समझ गए, जैसे ही आप किसी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में आप ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे आपको मास और वेलोसिटी दोनों का लॉस होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब जितनी तेजी से जला रहे, तो वेलोसिटी को आप अभी भूल जाओ, मास को ही कंसिडर करो,
तो ये लकड़ी जितना जलाएंगे उतना ऊर्जा उत्पन्न होगा, और जितना इसको ऊर्जा उत्पन्न होगा उतना ये लकड़ी कम होता जाएगा इसका वजन, समझ गए। यहाँ पे ये लॉस है, वजन कम होना एक लॉस है, ठीक है। देखिए अब मैं समझाता हूँ इस चीज को, आप समझ गए, ज्यादा इसमें इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए ये हर जगह लॉस होता है, हर जगह लॉस होता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में यदि ऊर्जा को रूपांतरण कर रहे हैं हम लोग तो वहां पे लॉस होता है। लॉस इन द सेंस क्या है, सपोज मानिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लॉस होगा। इलेक्ट्रिकल लॉस होने का मतलब समझिए, मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, ये निकालते हैं, यहाँ पे लॉस दिखाते हैं, यहाँ पे लॉस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में क्या क्या देगा, 10 एम्पीयर करंट, करंट और वोल्टेज ही है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में दिया 10 एम्पीयर, ठीक है, मोटर को दिया 10 एम्पीयर, सभी मोटर का कुछ ना कुछ परसेंटेज लॉस होता है, और मोटर कुछ भी हो जाए बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको 80-90% आपको आउटपुट देगा, बाकी 10% तो आपको लॉस होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। 10% लॉस हो सकता है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस हो मोटर में कुछ ना कुछ लॉस। देखिए आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दो, लॉस मतलब कैसे समझे, मोटर गर्म होता है चलने से, यस गर्म होता है, आप कभी भी मोटर को चलाओ वो गर्म होगा। गर्म कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा उसको गर्म होने के लिए मिल रही है ना, तो वो गर्म होने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है तो मोटर का काम तो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो गर्म हो गया उसका तो हम तो कुछ यूज कर नहीं रहे, तो वो जो गर्म होने की प्रक्रिया है जिस ऊर्जा से वो गर्म हो रहा है वो लॉस है उसके लिए, समझ गए। तो ये मोटर गर्म हो रहा है लॉस है, उसी तरह से और भी बहुत सारे लॉस है, बेरिंग थोड़ा हार्ड होगा, अलाइनमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वाइंडिंग लॉसेस होगा क्योंकि वाइंडिंग उसमें पावर जाएगा तो स्पिल होता है, तो इस तरह का लॉसेज जो है ना मोटर ना मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम आउटपुट आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा दिया तो 90% का आउटपुट आपको देगा। मतलब क्या है, 1 एम्पियर 10 एम्पियर में 9 एम्पियर का आउटपुट देगा, तो बच्चा यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिला, 9 एम्पियर का आउटपुट मिला, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में जो आपने कन्वर्ट किया मोटर से तो ये 9 एम्पियर आउटपुट हो गया, समझ गए बात को, ध्यान से समझिए, फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए 10 एम्पियर किसी मोटर को दी, मोटर की सबसे ज्यादा आउटपुट होगी तो 90% हो गया, 80-90% उसके ज्यादा नहीं होती है। एक और चीज समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझिए, एफिशिएंसी एक वर्ड होता है, एफिशिएंसी सीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, आप समझ लेना, बाकी लोग आपको बुड़बक नहीं बना पाए। एफिशिएंसी एक वर्ड होता है, एफिशिएंसी कहने का मतलब इसका दक्षता कितनी है, मतलब ये कितना खा के कितना काम करेगा उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, ये खाएगा कितना और कितना काम करेगा। सपोज मानिए कोई भी आदमी 10 रोटी खा के वो 10 रोटी का काम कर दे रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 100% मानी जाएगी, मतलब जितना खा रहा है उतना काम कर दे रहा है। लेकिन सपोज माने कोई आदमी 10 रोटी खा के 8 रोटी का काम कर रहा है, तो ये समझिए कि 80% इसकी एफिशिएंसी मानी जाएगी, एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है। मतलब क्या है, 2 रोटी का लॉस कर रहा है, मतलब 10 रोटी खा रहा है 2 रोटी का काम नहीं कर रहा है, मात्र 8 ही रोटी का काम कर रहा है, तो वो 80% उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह से ये देसी तरीका समझ गए, इसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी होता है। अब यहाँ पे आप समझो, अब यहाँ पे समझिए एफिशिएंसी, सपोज मानिए मोटर को आपने 10 एम्पीयर दिया और आउटपुट जो निकला सपोज मैंने कुछ उसको आपको एक ही भाषा में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल आउटपुट निकलता है इसको टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क मैं नहीं बता रहा हूँ देसी तरीके बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। 10 एम्पियर का जो इनपुट हमने दिया उसको आउटपुट जो जितना भी मान लिया एक्स टॉर्क होगा सपोज मानिए टॉर्क को बोल जाएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ तो वो टॉर्क का जो करंट में यदि वैल्यू निकालेंगे तो सब 9 एम्पियर निकलेगा, लगभग 9 एम्पियर से ज्यादा नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या है, ये 10% का लॉस हो रहा है, आउटपुट कितना है 90% ही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, जब हमने मोटर में सप्लाई दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आउटपुट करते समय इसने 1 एम्पियर का लॉस कर दिया, 10% का लॉस कर दिया, मतलब हमारे 10 एम्पियर 1 एम्पियर का काम जो है बर्बाद हो गया। मतलब हमने उसको दिया 10 को 10 दिया मोटर को, लेकिन उसने 1 एम्पियर बर्बाद कर दिया, अपने काम में लगा लिया, फिर वेस्ट कर दिया उसको काम, उसका आउटपुट नहीं दिया, मतलब इसकी इस मोटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम 90% होगी एफिशिएंसी, समझ गए। वैसे आगे बढ़ते
हर जगह लॉसेस होते हैं भाई साहब, कुछ भी करो कोई भी काम करो लॉसेस होने ही होने हैं। मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% हो सकती है, मैक्सिमम ले रहा हूँ, 60% भी ऐसी ऐसी मोटरें हैं 60% भी होती है एफिशिएंसी, 80% भी एफिशिएंसी होती है, मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ 90% होगी, 90% से ज्यादा मोटर की एफिशिएंसी जनरली नहीं हो सकती है। जनरली क्या आप ना ही मानो, भूल ही जाओ, ठीक है। यदि हमने 10 एम्पियर दिया तो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट किया 9 एम्पियर, ठीक है। फिर से हमने डायनेमो लगाया, अब यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हो रहे 9 एम्पियर, तो यहाँ पे भी लॉसेस है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपको वहाँ पे मैकेनिकल मतलब घूम रहा है, चक्का घूम रहा है, चक्का घूमने में बेरिंग लॉसेस हुआ, लोड लॉसेस हुआ, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। यहाँ पे भी आपको लगभग आपको घूमने के टाइम में हो सकता है 1 एम्पियर का फिर से लॉस हो जाए, क्योंकि वो चक्का घूम रहा है, कुछ ना कुछ घर्षण हो रहा है बेरिंग में भी, भले कितना भी चिकना बेरिंग हो वहाँ भी कुछ ना कुछ घर्षण हो रहा है, कुछ ना कुछ लोड तो है, गियर रेड्यूस गियर यहाँ पे लगा रहेगा, गियर तिथ में भी कुछ घर्षण होगा गियर के अंदर, तो वो सारे लॉसेस गिन के फिर से आप यहाँ पे एक एम्पियर का लॉस आप काउंट करो। तो यहाँ पे जो आप डायनेमो को देख, डायनेमो में आपको जाके 8 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस कितना हो गया, यहाँ पे 1 एम्पियर का लॉस हो गया, मैं इस लाइन पे लास्ट वाले लाइन पे मैं लॉस लेता हूँ, यहाँ पे 1 एम्पियर का लॉस हो गया, यहाँ पे भी 1 एम्पियर का लॉस हो गया, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में 1 एम्पियर यहाँ पे, अब डायनेमो हमने 8 एम्पियर दिया, समझ गए। अब जो देखिए आप कॉन्सेप्ट इतना समझ ले, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह गया, गाड़ी चलाने के टाइम में जब उस बाइक में लगा है बैटरी से हमने मोटर को दिया सप्लाई, मोटर से गाड़ी चली, मैकेनिकल एनर्जी मतलब गाड़ी चली, इतना चलाने के टाइम में हमने 2 एम्पियर का लॉस कर दिया, हमने 10 एम्पियर उसको खाना दिया मोटर को या फिर गाड़ी को जो भी गई, लेकिन आउटपुट हमको 8 एम्पियर ही मिल रहा है, 2 एम्पियर गया काम से, कोई काम का नहीं, वेस्ट हो गया और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एक बहुत यूनिक चीज आपको लास्ट में बताऊंगा, बने रहेगा वीडियो के साथ, स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 एम्पियर हमने डायनेमो को दिया, 8 एम्पियर हमने डायनेमो को दे दिया, अब 8 एम्पियर फिर डायनेमो का भी लॉस होगा, कुछ ना कुछ डायनेमो के अंदर में भी लॉस होगा, डायनेमो बहुत ज्यादा लॉस करता है। फिर भी सपोज माने 8 एम्पियर की जगह पे आपको परसेंटेज में नहीं निकालते यहाँ पे, फिर से माने कि ये 1.5 एम्पियर का लॉस किया। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बैटरी में क्या जाएगा, 8 में से 1.5 एम्पियर माइनस कर देंगे, 6.5 एम्पियर का आपको चार्जिंग देगा डायनेमो बैटरी को। अब यहाँ पे एक और बड़ा पॉइंट, अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, हमने करंट कितना दिया था, बैटरी से कितना खर्च किया 10 एम्पियर, बैटरी कितनी चार्ज हो रही है 6.5 एम्पियर, लॉस कितना हो गया लगभग 3.5 एम्पियर का लॉस हो गया, ठीक है। अब हर बार ये तो छोटा पायदान पे ले रहे, मान लीजिए 500 एम्पियर वाली बैटरी, तो उसी हिसाब से आपको लगभग 35% आपको लॉस हो रहा है हर जगह, ठीक है। 100 एम्पियर की बैटरी चार्ज करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 एम्पियर आपने बैटरी का लॉस बैटरी मोटर में दे रहे, बैटरी का सप्लाई मोटर में दे रहे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैटरी 6.65 एम्पियर ही चार्ज होगी, 100 एम्पियर खर्च करने पे 65 एम्पियर चार्ज होगी। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस बाकी है, बहुत बड़ा लॉस बाकी है, बैटरी चार्जिंग के टाइम में बहुत जबरदस्त लॉस होता है, बैटरी चार्जिंग के टाइम में ज्यादा से ज्यादा बैटरी की एफिशिएंसी होती है चार्जिंग में, लेडीसी बैटरी लिथियम आयन बैटरी लिथियम, ज्यादा से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी हो सकती है तो 70-80%, हम 80% मान लेते हैं, तो बैटरी चार्जिंग के टाइम में यदि 80% ही हुआ तो ये वाला घट के हो जाएगा लगभग 5 एम्पियर, फिर यहाँ पे आपको 1.5 एम्पियर का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब बैटरी का चार्जिंग हो रहा है, बैटरी चार्जिंग जो हो रहा है आपको मात्र 5 एम्पियर हो रहा है, हमने खर्च कर रहे 10 एम्पियर, बैटरी चार्ज हो रहा है 5 एम्पियर, मतलब हमारे 10 रुपए खर्च करके हम 5 रुपए का सामान दुकान से ला रहे हैं, तो यहाँ पे इतने सारे लॉसेस होने के बाद हमको घाटा हो रहा है, घाटा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यदि 10 एम्पियर खर्च कर रहे हैं इसमें भी 10 एम्पियर स्टोर हो रहा है तो हमारे लिए फायदे की बात है, यहाँ पे हमारे लिए घाटा हो गया, ये सारे लॉसेस, समझ गए, ये लॉसेस का कॉलम है, ठीक है। ये देखिए हमने पहला मोटर में लॉस किया 1 एम्पियर, फिर गियर बॉक्स ये सब बेरिंग में लॉस किया 1 एम्पियर, फिर डायनेमो गया तो डायनेमो खुद उसका लॉस कर दिया 1.5 एम्पियर, फिर अब यहाँ पे क्या है 1.5 एम्पियर, फिर बैटरी चार्जिंग के प्रोसेस में फिर से हमने 1.5 एम्पियर का लॉस कर दिया। ये 1.5 एम्पियर ना समझिए, इसको समझिए कि 10% का लॉस, ठीक है। यहाँ पे भी लगभग 10% मान लेते हैं, यहाँ पे भी 10% का लॉस,
ये यहाँ पे लगभग समझे कि लगभग 18 से 20% का लॉस होगा इसके बीच, ये सब बगल में मान ले कि 15% का लॉस लगभग मान के चलिए, यहाँ पे लगभग 20% का बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सभी साइकिल 20% पे चलता है। लॉस कितना हुआ ये समझिए, यहां से निकलिए इसके 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 बगल से, तो ये लॉस इतना हम लोग कितना परसेंट लॉस कर दिए, टोटल लॉस यहां से अकॉर्डिंग यहां पे निकालेंगे तो 50% का लॉस कर रहे हैं हम बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी चार्जिंग में बहुत ज्यादा लॉस होता है वो प्रोसेस से, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे अभी तक आपको फिगर क्लियर नहीं हुआ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप इस चीज को समझ गए तो मैं आगे बता रहा हूँ। आप तो यार आप क्या कहना चाह रहे, गाड़ी तो फिर भी चली रही है ना, आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि बैटरी चार्ज हो रहा है वो अलग से थोड़ी चार्ज कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है इसलिए चार्ज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, गाड़ी चल रही है ओके, उसके लिए अलग ऊर्जा जा रही है, इसी बैटरी से जा रही है। लेकिन अभी मान ली कि गाड़ी चल रही है तो आप 10 एम्पीयर उस मोटर को दे रहे हैं, लेकिन आप बैटरी चार्ज करने जब लगेंगे ना तो डायनेमो कुछ ना कुछ तो लोड लेगा ना, डायनेमो जब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो वो लोड लेगा, जितना करंट आप उससे ज्यादा लेंगे उतना ये लोड देगा इस मोटर को, या मोटर को जितना लोड देगा उतना करंट ये मोटर बोलेगा और ज्यादा करंट दो। तो मतलब हम डायनेमो जो बैटरी चार्जिंग के प्रोसेस के लिए लगाए हैं उसके लिए हमको एक्स्ट्रा करंट देना पड़ रहा है, ना कि गाड़ी को चलाने के अलावे, गाड़ी को चलाने के लिए जो करंट दे रहे हैं उसके अलावे हमको एक्स्ट्रा करंट देना पड़ रहा है, हम उस एक्स्ट्रा करंट को ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ जाइएगा। एक्स्ट्रा करंट दे रहा पड़ रहा, जितना भी एक्स्ट्रा करंट देना पड़ रहा है उसी को कंसिडर करिए। सपोज मानिए किसी गाड़ी में हमको 100 एम्पीयर 50 एम्पीयर देना पड़ रहा था गाड़ी चलाने के लिए, अभी जब हम डायनेमो को लगा रहे हैं तो उसमें समझिए कि 90 एम्पीयर हमको उसी मोटर को देना पड़ेगा, जो 40 एम्पीयर एक्स्ट्रा है, 40 एम्पीयर एक्स्ट्रा है ये हमको बैटरी चार्जिंग के लिए देना पड़ेगा। अब जब 40 एम्पीयर हम एक्स्ट्रा इस मोटर को दे रहे हैं लेकिन ये जो बैटरी चार्जिंग हो रहा है मात्र 20 एम्पीयर हो रहा है, हम 50% का लॉस कर दे रहे हैं, 50% का लॉस कर दे रहे हैं, ये कभी कंसीडर मत करिए। गाड़ी चल रही है इसलिए उसी में तो डायनेमो लगा, अलग से कहां, अरे भाई आप कुछ भी लोड देते, एक तरह का लोड है ना डायनेमो, मोटर पे लोड है, मोटर बैटरी पे लोड देगा सीधा, आप कुछ भी लोड दे रहे हैं तो समझिए कि उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऊर्जा सप्लाई करने का प्राइमरी सोर्स क्या है, ये बैटरी वन है प्राइमरी सोर्स, तो यही ऊर्जा देगी चाहे डायनेमो चलाना चाहे गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाने के लिए जो ऊर्जा दे रही है डायनेमो अलग से लगा दी, और भी आप कुछ उसमें लगा दो ना तो वहां पे भी आपको उसको ऊर्जा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको ये जो ऊर्जा है एक्स्ट्रा दे रहे हैं डायनेमो को, लेकिन ये डायनेमो एक्स्ट्रा लेने के बाद भी आपको मात्र 50% बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। मतलब अब कॉन्सेप्ट यहां तक समझ गए, अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं यहां पे, ये समझ गए ना, लॉस तो होगा ही होगा, मत सोचे कि गाड़ी चल रही है इसलिए डायनेमो चल रहा है, गाड़ी चल रही है इसलिए डायनेमो नहीं चल रहा है, डायनेमो के लिए अलग से बैटरी उसको ऊर्जा दे रही है, एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च कर रही है इसलिए। अब एक बात समझे, कोई ठेले को एक आदमी धक्का लगा रहा है और ठेला धक्का लग रहा है, खाली समझिए खाली है ठेला, कोई ठेले को एक आदमी धक्का लगा रहा, धक्का लग रहा है, अब उसमें आप वैसे हो रहा है ना कि अब उसमें डायनेमो ऐड कर दिया, सॉरी अब उसमें डायनेमो ऐड कर दिया, डायनेमो इन द सेंस समझिए कि उसमें आपको कोई लोड डाल दिया ठेले पे, कोई वजन डाल दिया, अब उसको आप खुद धक्का लगाओ, वजन बढ़ गया उसमें, लोड बढ़ गया ना, लोड बढ़ गया, अब उसको आप धक्का लगाओ, आपसे थोड़ा तकलीफ होगा धक्का लगाने में, तकलीफ इन द सेंस ये हुआ कि उस ठेले का वजन अब बढ़ गया है तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे होता है, ये गाड़ी तो चला रहा था लेकिन अब उसमें डायनेमो लगा दिया, उसका लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया मतलब इस मोटर को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और इस मोटर को ज्यादा ताकत लगाएगा तो ये बोलेगा हमको करंट ज्यादा दो, ये करंट यहाँ से ज्यादा लगे, जितना ज्यादा करंट लेगा और उसके हिसाब से उतना ज्यादा जल्दी बैटरी ड्रेन होगा और उसके बाद डायनेमो आपको आउटपुट करना देगा। समझिए यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि मात्र किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिकल, इस कंसेप्ट में 50% एफिशिएंसी ही आती है। 50% एफिशिएंसी कहने का मतलब यदि आप 100 एम्पीयर खर्च कर रहे हैं उस बैटरी को चार्ज करने के लिए तो बैटरी में मात्र 50 एम्पीयर स्टोर होगा, बाकी 50 एम्पीयर बर्बाद हो जाएगा। अब समझिए एक आप यहां पे टेक्निकल समझाता हूं क्या होता है, अब ये समझिए 50 एम्पीयर बर्बाद हो रहा है, आप एग्जांपल मान लीजिए कि 100 एम्पीयर की बैटरी से हम किसी गाड़ी को, मान लीजिए 100 एम्पीयर की बैटरी से किसी गाड़ी को हम 10 किलोमीटर लेके जा सकते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, समझ गए। अब बताता हूं, अब इसमें बिना चार्जिंग वाला,
बिना डब्ल्यू सी लिखता हूँ, बिना चार्जिंग वाले बैटरी में, बिना चार्जिंग वाला सिस्टम में। अब हम लोग 100 एम्पीयर की बैटरी में आपको विथ चार्जिंग, डब्ल्यू आई टी एच विथ चार्जिंग वाली बैटरी में ये जो है हमको चार्जिंग भी देना पड़ रहा है, जिसमें हम गाड़ी के लिए जो है ना 50% गाड़ी में लोड दे देंगे, यानी 80% गाड़ी में लोड दे देंगे। तो 80% जो है 80 एम्पीयर हमको गाड़ी के लिए लोड गया, ठीक है। अब 20 एम्पीयर जो है चार्जिंग के लिए लोड गया। अब समझो, आप यहीं पे समझो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको डायनेमो के लिए एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए, 80% आप गाड़ी को चलाने के लिए दिया करंट, जितना करंट देगा गाड़ी उतना ही चलेगा, जितना धक्का लगाएंगे उतना ही चलेगा, जितना करंट देंगे गाड़ी उतना ही तो चलेगा। मतलब ये 8 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, छोटे पायदान पे काउंट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा बहुत छोटा ये है, आप 500 किलोमीटर में कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब ये 20 एम्पीयर का जो हमने चार्जिंग के लिए सप्लाई दिया, डायनेमो को दिया बैटरी चार्ज, अब कितना होगा 10 एम्पीयर, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बताता ना, यहाँ पे एफिशिएंसी 5% की आएगी। हम बैटरी चार्जिंग के लिए जितना भी करंट देंगे उसका आधा ही बैटरी 2 में स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या, 20 एम्पीयर हमने दिया इसको सप्लाई बैटरी चार्जिंग करने के लिए, इस बैटरी को खर्च किया, लेकिन अगली बैटरी जो चार्ज होगी 10 एम्पीयर चार्ज होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे, जो उस बाइक में था क्या था कि बैटरी वन ये बैटरी टू, ठीक है। बैटरी वन 8 किलोमीटर चली 80 एम्पीयर, क्योंकि हमने 20 एम्पीयर खर्च कर दिया बैटरी चार्जिंग के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे 10 एम्पीयर चार्ज हुआ बैटरी, अब ये बैटरी का 10 एम्पीयर चार्ज हुआ। अब ये 10 एम्पीयर में दूसरी बैटरी, क्योंकि अब तो यहाँ बैटरी खत्म हो गई, 80 एम्पीयर हमने ये खर्च कर दिया, 20 एम्पीयर ये खर्च कर दिया, दोनों मिला के बैटरी खत्म हो गए, समझ गए। अब बैटरी खत्म हो गई, अब दूसरी बैटरी के ऊपर हम स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बैटरी खत्म हो गई, दूसरी बैटरी पे जैसे स्विच किए तो उस बैटरी में 10 एम्पीयर का करंट स्टोर है। 10 एम्पीयर में कितना किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर, देखिएगा 100 एम्पीयर में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब 10 एम्पीयर में 1 किलोमीटर जाएगी, 1 किलोमीटर, समझ गए। टोटल किलोमीटर कितना चला दोनों बैटरी मिला के, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर टोटल किलोमीटर दोनों बैटरी मिला के चला 9 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, इसी 100 एम्पीयर के बैटरी में यदि बिना चार्जिंग वाला सिस्टम लगाया था तो ये 10 किलोमीटर जा रहा था, और इसी 100 एम्पीयर की बैटरी में यदि चार्जिंग वाला सिस्टम लगा दिया जबकि दूसरी बैटरी पे भी स्विच किया तो दूरी कितना गया, 9 किलोमीटर, समझ गए, लॉस है ना। आप बिना चार्जिंग वाला लगा रहे थे 10 किलोमीटर जा रहे थे, और चार्जिंग वाला सिस्टम लगा रहे 9 किलोमीटर जा रहा, फायदा किस में, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट दिमाग पे थोड़ा जोर डालेगा, जोर डालने पे आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सिंपल बात है, आपको 1 किलोमीटर का 100 एम्पीयर में लॉस हो रहा, 500 किलोमीटर पे जाएंगे ना जैसे करके, 100 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट है, 200 किलोमीटर पे जाएंगे तो इसी तरह से बढ़ा दीजिएगा, समझ गए। 200 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 20 एम्पीयर का लॉस हो जाएगा, 20 किलोमीटर का लॉस हो जाएगा, समझ रहे। ये आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से आपको विंडमिल वाले भी सिस्टम में है, यदि किसी क्या बोले, नाव पे कभी बैठे होंगे तो समझ लेंगे, नाव पे बैठे और उसके सामने वो तिरपाल ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा पूरा पैरट्स ऑफ कैरेबियन देखे हैं क्या, उसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े पर्दे लगे रहते हैं और वो हवा से वो नाव चलते, तो हवा से नाव चलते मतलब क्या, वो हवा को रोक रहा है इसलिए नाव को हवा धक्का लगा रही है। यदि उसी चीज कॉन्सेप्ट को अपोजिट कर देते हैं, उसमें कोई बैटरी लगा और मोटर लगा है और वो तिरपाल भी लगा दिया और तिरपाल उसके अपोजिट साइड में, समझ रहे, तो क्या होगा, जितना हवा को तिरपाल रोकेगा उतना बैटरी को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा लॉस होगा, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो जाके उसको उतना जितना लॉस होगा उतना बैटरी ज्यादा ड्रेन होगा। सिंपल सा तरीका पॉइंट पे आता हूँ, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कार चल, सर कार के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कार चल रही है उसके चारों तरफ चार पंखे लगा दिए, इतने बड़े बड़े चार पंखे लगा दिए, इतने बड़े बड़े, ताकि वो पंखा चलेगा और उससे मोटर डायनेमो चलेगा और उससे बैटरी चार्ज होगा। तो आप बोलेंगे अभी तो ये मोटर के साथ डायनेमो को नहीं जोड़ा, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ भी लॉस होगा, क्योंकि उस पंखे को चलाने के लिए जो हवा का प्रेशर बन रहा है, जितनी आसानी से हवा निकल जाएगी उस गाड़ी के छत से ऊपर या बगल से, उतना कम ताकत लगाना पड़ेगा उस मोटर को गाड़ी को चलाने में। और यदि आपने पंखे चार पांच लगा दिए इतने बड़े बड़े, तो क्या होगा, पंखे पे आके हवा टकराएगी और टकराएगी तो ये घूमेगा, पंखा घूमने के लिए उसको हवा जितना टकराएगा उतना मोटर पे लोड डालेगा, जितना रोके आप हवा को जितना रोकोगे ना उतना मोटर पे लोड डालेगा, और जितना मोटर पे लोड जाएगा उतना आपको बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, वहां भी आपको लॉस करके ही आपको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे, कहीं पे भी आपको बिना
वहां कौन सा ऊर्जा, मैं बताया ना कि ऊर्जा कन्वर्ट करने के लिए लॉस होता है, कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा कन्वर्ट कर रहे, ये बैटरी से मोटर, मोटर से मैकेनिकल, इतना तक तो वो उसमें भी है, गाड़ी तो फिर भी चल रही है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब मोटर चलने से गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलने से जो पवन ऊर्जा का वेलोसिटी आ रहा है, पवन ऊर्जा वहां पे बन रहा है, तो पवन ऊर्जा से फिर हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते टाइम में भी लॉस होगा, समझ रहे, तो वहां पे भी लॉस होगा, फिर लॉस भाई देखिए कहीं पे भी लॉस यदि हो रहा है तो वो घाटे का सौदा है, 10 रुपये देके 10 रुपये आप नहीं कमा रहे, कम से कम तो आपको घाटे का सौदा, हालांकि 10 रुपये देके 10 रुपये कोई क्यों कमाना चाहेगा, 10 रुपये देके 11 रुपये कमाना ठीक है ना, कोई भी आप दुकान खोल रहे हो 10 रुपये का सामान लाके 10 रुपये में बेच रहे हो तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ तो उल्टा लॉस हो रहा है, यहाँ तो 10 रुपये का सामान दे के 10 रुपये दे के आप 9 रुपये का सामान ले रहे हो, यहाँ तो लॉस हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, किसी के भी दिमाग में आता है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करके दे दो, उनको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या है, जो टेक्निकल नहीं उनके दिमाग में नहीं आएगा, जो टेक्निकली समझते हैं उनके दिमाग में फटाक से घुस जाएगा, आपको लॉस तो करना ही पड़ेगा यदि ऊर्जा का रूपांतरण आप करते हैं तो, और लॉस करने का मतलब आपको फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को यही पे खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, इस वीडियो को तो मुझे लगता है शेयर ठोकना ही चाहिए, इस वीडियो को ना शेयर किए तो समझिए बाकी लोग का दिमाग में ही घुसता रहेगा, उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वीडियो बना के, और उसको आप लोग समझते रहेंगे सही है, इसको फटाफट शेयर कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इस तरह का धांसू धांसू वीडियो आपको मिलता रहेगा, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।